हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को ये काफ़ी टाइम से पता होगा कि आई हैव स्टार्टेड माय अकल साइंस जर्नी एज वेल, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। सो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं मुझे कि आप इसके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। टेक दिस अकल साइंस जर्नी फ्रॉम अक्टूबर एंड अभी इसको पूरा एक साल हो चुका है एंड आई थिंक नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर आई कैन, जो भी मैंने अपना नॉलेज गेन किया है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। अब जब ये मैंने सोच लिया था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे वास्तु पहले स्टार्ट करना चाहिए, न्यूमरो स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत एस्ट्रो बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगी, मेरा बर्थडे मंथ होता है। फिर मैंने सोचा कि मैं इस डेट को स्टार्ट करूंगी, फिर मैंने सोचा मैं इस डेट को स्टार्ट करूंगी एंड जस्ट 5-6 डेज पहले मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे। सो आज डेट क्या है? आज डेट है 11/11। इट इज अ वेरी स्पेशल डे, इट इज अ वेरी पावरफुल मैजिकल डे ऑफ द ईयर। इस दिन को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अमेजिंग होता है। आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए बहुत अमेजिंग होता है। आपको अपनी विशेज, जो भी आप चाहते हो लाइफ में, विजन बोर्ड, ये सारी चीजें आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि आज 11/11 है एंड मैनिफेस्टेशन का डे है। तो आज मैं आपके सामने एक नंबर कोड, जो कि एक मैनिफेस्टेशन का कोड है, वो शेयर करूंगी एंड इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई फर्स्ट वीडियो। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ में तीन मैजिकल नंबर्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि है 3, 6 एंड 9। नाउ ये जो 3, 6, 9 है, इसको बोला जाता है सीक्रेट कोड टू अचीव योर गोल्स। नाउ 3, 6, 9 नंबर को टेस्ला कोड 3, 6, 9 भी बोला जाता है। सो सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर ये कोड रखा गया है। यूनिक इन्वेंशंस के लिए जाने जाते थे एंड वो नंबर्स के गेम्स में, मतलब वो मैथ्स में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। तो टेस्ला कोड 3, 6, 9 आज भी एक तरीके का रहस्यमयी कोड ही है। सो निकोला टेस्ला का ये भी कहना था कि अगर किसी ने 3, 6, 9 नंबर्स को या कोड को अच्छे से समझ लिया, इसको क्रैक कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स की चाबी मिल गई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। सो निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा बिलीव था, तो वो इन नंबर्स को 3, 6, 9 को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऐड करके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपने लाइफ में। ऐसा बोलते हैं कि जो निकोला टेस्ला है, वो जब अपने ऑफिस में एंटर करते थे तो उससे पहले ऑफिस की बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। जिस होटल में वो कभी जाते थे और उस रूम में अगर रुकते थे तो उस रूम का जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए था। तो उनका ये सब चीजों पर जुनून इतना था कि कभी कभी लोग उनको सनकी और पागल भी बोल देते थे। आप लोगों को पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा रिच इंसान कौन है? एलन मस्क। सो एलन मस्क में निकोला टेस्ला के सम्मान में, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी थी, उसको नाम टेस्ला दिया है। एलन मस्क और उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उनकी ये जो एकदम सक्सेसफुल जादुई तरीके से या चमत्कारी तरीके से हुई है, उसके पीछे 3, 6, 9 का ही जादू है, ऐसी थियोरीज हैं। तो आइए देखते हैं 3, 6, 9 की जो टेक्निक है वो क्या है एंड इसको यूज कैसे करना है और ये क्यों इतना पावरफुल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रोकूंगी और वीडियो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस कंसर्न ऑफ बॉडी एक्ने एंड ड्राई स्किन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फेस को टारगेट करते हैं, बट बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को टारगेट करते होंगे। समटाइम्स एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से भी आपके बॉडी पे बॉडी एक्नेस हो जाते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ फुल बॉडी केयर रूटीन, जो कि आपके बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखेगा और आपके जो बॉडी एक्ने हैं उनको ट्रीट भी करेगा। इज अ प्रोडक्ट बाय द डर्माको 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश एंड सैलिसिलिक एसिड बॉडी लोशन। सो ये जो 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है, पावर्ड विद सैलिसिलिक एसिड, बॉडी से डेड स्किन सेल्स को स्वीप ऑफ करता है, जो भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उनको बाहर निकालता है और रिस्ट्रिक्ट करता है ब्रेकआउट्स को। दिस बॉडी वॉश इज सल्फेट फ्री एंड इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मेक इट परफेक्ट फॉर एवरीडे बाथिंग रूटीन। इट क्लेंजेज योर स्किन डीपली वाइल कीपिंग बॉडी एक्ने अवे। उसके बाद आपको जब आपने सैलिसिलिक आपने जब बॉडी वॉश कर लिया है, तब आपको 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी सीरम लोशन को लगाना है आफ्टर बाथिंग। ये आपके इन्फ्लेमेशन को सूदन आउट करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन वाइल कीपिंग बॉडी एक्ने एट बे। जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो सैलिसिलिक एसिड है। प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप छोटा सा उसका टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल न्यू प्रोडक्ट्स बाय द डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ डर्माको की वेबसाइट पे। एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम द डर्माको, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। बहुत ही अच्छा कॉज है। तो यस, अब चलते हैं हम लोग हमारी मेन वीडियो की तरफ। हम
आगे बढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी इन 369 नंबर्स को काफी ज्यादा पावरफुल नंबर माना जाता है एंड अगर आप इनको ढंग से यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली जो भी मैनिफेस्ट करते हैं या जो आप चाहते हैं उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो 3 नंबर होता है ये गुरु का नंबर होता है, बाकी जो इनके सिग्निफिकेंस है वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। सो जो 3 नंबर होता है हिंदू रिलीजन में बहुत ही पवित्र एंड पावरफुल नंबर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शंकर जी की 3 आंखें थी राइट, तो जो 3 आंखें थी वो क्या सिग्निफाई करती थी, हैप्पीनेस, कंसाइंस एंड ट्रुथ, सत्य, अंतरात्मा की आवाज और आनंद को ये सिग्निफाई करती थी। तो नंबर 6 के ऊपर आते हैं, नंबर 6 जो है ये वीनस का नंबर होता है, मतलब शुक्र का नंबर होता है। आते हैं नंबर 9 के ऊपर, ये मंगल मार्स का नंबर होता है। अब आते हैं ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक्चुअली में क्या है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जिस पर चल करके हम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आई एम श्योर हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी यूनिवर्स से जुड़े रहस्यों को नहीं मानते होंगे, ना ही उनको लगता होगा ये सब क्या है फालतू की चीजें हैं, बट हमारा जो यूनिवर्स है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका एक एग्जांपल अपने लाइफ से जो बहुत बड़ा हुआ है मेरे साथ वो केस आपको बताऊंगी डेफिनेटली वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको जान करके अपने लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उनको फॉलो करना चाहिए। आइए मैं आज आपको कुछ थोड़े बहुत कैलकुलेशन से जो ये पावरफुल है 369 नंबर इसके बारे में बताना पसंद करूंगी। मान लेते हैं हम दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों का इमेजिनेशन करते हैं, लाइक लाइट एंड डार्क, मतलब अंधेरा और प्रकाश का हम एक इमेजिनेशन करते हैं। जैसे अर्थ में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है ना। अर्थ है ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब इसके जो पोल्स हैं उसमें एक तरफ 1, 2 एंड 4 है, दूसरी तरफ 8, 7 एंड 5 है। तो जो 1, 2 एंड 4 है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, नंबर 3 कंट्रोल कर रहा है, और जो 8, 7 और 5 है इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इनको नंबर 6 कंट्रोल कर रहा है। यूनिवर्स में सब कुछ इन दो पोल्स के बीच में झूलता हुआ एक पेंडुलम की तरह ही है, मतलब वो या तो यहां से यहां जाएगा यहां से यहां आएगा। अब जब आप देखिए इस पैटर्न में, देखिए आप 1 को 2 से प्लस करेंगे तो 3 आता है, 2 को 4 से प्लस करेंगे तो 6 आता है, 4 को 8 से प्लस करेंगे तो 3 आता है, 8 को 7 से प्लस करेंगे तो 6 आता है, 7 को 5 से प्लस करेंगे तो 3 आता है, 5 को 1 से प्लस करेंगे 6 आता है, 1 को 2 से प्लस करेंगे तो 3 आता है। आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सब एक ही पैटर्न चल रहा है, 3 6 3 6 3 6। अब यहाँ पर ये जो दो एक बार फिर जब आप ध्यान से देखेंगे 3 और 6 या 6 और 3 इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या नंबर आता है, नंबर 9 आता है। इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है नंबर 9। हमसे 9 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से 3, 6 एंड 9 को काफी ज्यादा पावरफुल नंबर्स माना जाता है व्हेन दे कम टुगेदर। एक और एग्जांपल देते हैं, दुनिया गोल है तो जो गोला होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, इट्स 360 डिग्री। अब आप 360 को ऐड करिए तो कितना आता है, 3 + 6 = 9। नाउ 360 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, 180 हो गया। 180 को आप प्लस करेंगे अगेन 9 आ जाएगा। अब आप 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। जब आप 4 और 5 को प्लस करेंगे अगेन 9 आ जाएगा। अब आप 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 22.5 आ जाएगा। आप 2 + 5 करेंगे तो अगेन 9 आ जाएगा। नाउ आप 22.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 11.25 आ जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे अगेन 9 आ जाएगा। नाउ आप 11.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा ना, ऐसे आपकी सीरीज चलती जाएगी और आपको हर बारी 9 ही मिलेगा। तो ये बहुत ही मैजिकल, कितनी मैजिकल चीजें हैं कि आप सोचो जिन नंबर्स को हम तब ऐड कर रहे थे तब हमको सिर्फ 3 और 6 का कॉम्बिनेशन मिल रहा था, अब हम ऐसे ऐड कर रहे थे हमको सिर्फ 9 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई 369 आर द वेरी वेरी मैजिकल नंबर्स। और भी बहुत मेथड्स हैं कि आपको 9 ही 9 मिलेगा। आप मैजिकल आप जो एंजल नंबर्स हैं 111 को ऐड करेंगे, आप 222 को ऐड करेंगे, आप 333 को ऐड करेंगे, आप 444 को ऐड करेंगे, आप 555 को ऐड करेंगे, तब भी आपको 36369 का ही पैटर्न मिलेगा। आते हैं कि टेस्ला कोड 369 काम कैसे करता है। दरअसल जो टेस्ला कोड 369 है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड करवाता है कि हमारा गोल क्या है और आपको वहां तक पहुंचना कैसे है, इस मेथड को करना कैसे। तो आप जिस चीज को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको उसको 17 सेकंड के लिए अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी उस इच्छा पे या जो भी आपका गोल है या जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर डाल देना है। तो जब आप 17 सेकंड तक उस थॉट पे अपना पूरा फोकस डाल देते हैं तो 17 सेकंड के बाद उसकी जो एनर्जी होती है, उस थॉट की जो एनर्जी होती है वो आपके बाकी सारे थॉट्स से बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप 17 सेकंड्स तक उस
पर्टिकुलर थॉट को डेली सोचने लगेंगे तो वो जो थॉट है आपका वो रियलिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो करना क्या होता है, आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके अपनी डायरी में या जो भी आपका जर्नल है आप उसमें 17 सेकेंड तक के लिए वो थॉट को आपको लिखना है और लिखने के बाद अपना पूरा एनर्जी उस थॉट पे डाल देना है कि सोच में गहराई होनी चाहिए, उस टाइम पे आपको कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। जब आप वो विश लिखे ना तो उस विश को आपको लिखते हुए ये सोचना है कि वो विश हो गई है, पूरी हो गई है, और वो जो विश है वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए, नेगेटिव नोट पे नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की बुराई लिखी है या किसी और के लिए नेगेटिविटी लिखी है, आपको अपने लिए लिखना है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको लिखना है। उसमें डोंट, विदाउट, ऐसे वर्ड्स नहीं आने चाहिए। 17 सेकेंड्स के 3 राउंड आपको हर रोज सुबह करने हैं। 17 सेकेंड्स के आपको 6 राउंड, मतलब आपको 6, आप या तो एक लंबा सा सेंटेंस फॉर्मेशन कर लीजिए, उसको आराम से लिखिए 6 बार। 3 बार आपने सुबह लिख दिया, अब आपको दोपहर में 6 बार लिखना है। नाउ लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले आपको 17 सेकेंड्स के 9 राउंड्स लिखने, मतलब 9 टाइम्स लिखना है। अब आप इसको 21 दिन तक कर सकते हैं, 21 मतलब 3 हो गया, आपने 3 की एनर्जी लेके आ गए, या तो आप 33 डेज तक कर सकते हैं, मतलब 6 की एनर्जी हो गई, या तो आप 45 डेज तक कर सकते हैं, मतलब 9 की एनर्जी हो गई। तो आई वुड से आप स्टार्ट 21 डेज से स्टार्ट करिए सबसे पहले तो। एंड इवन जैसे आज 11/11 है तो आप आज के दिन भी 11 बार कोई अपनी विश लिख सकते हैं, ये भी बहुत पावरफुल नंबर होता है। तो मैं अपना एक नेगेटिव मैनिफेस्ट जो मेरे लाइफ में हो गई है या मैं जिसका मुझे डर होता था वो मेरे लाइफ में हो गया है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। सो इफ यू रिमेंबर व्हेन आई मेड अ वीडियो ऑफ माय मॉम हेल्थ अपडेट, आप वो वीडियो में लिंक डाल दूंगी उसका, अगर आप वो चेक करेंगे ना तो आई हैव मेंशन दिस वर्ड कि थैंकफुली, मतलब मैंने उसमें एक लाइन बोली है कि थैंकफुली आई एम इन भोपाल, अदरवाइज व्हाट इफ अगर मैं मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत हो और मैं वहाँ पर प्रेजेंट ना हूँ तो। ये कहीं ना कहीं मेरे को जब से मेरी मम्मी का वो चीज़ हो गया था सिनेरियो, सो दिस वाज इन माय हेड ऑलरेडी, अंदर एक डर सा रहता था कि व्हाट इफ अगर मेरे राइट, व्हाट इफ अगर मेरे ऐसा हो गया तो। सो दिस इज़ लाइक अ नेगेटिव सेंटेंस आई एम मैनिफेस्टिंग, है ना। मुझे इसके बदले ये बोलना चाहिए था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स आर हेल्दी एंड हैप्पी, माय पेरेंट्स आर हेल्दी एंड हैप्पी। इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में डर था, व्हाट इफ माय पेरेंट्स नीडेड मी द मोस्ट और मैं उस मोमेंट पे वहाँ प्रेजेंट नहीं रहूँगी, वो विद इन 8 मंथ्स के पीरियड में रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, राइट। जब सबसे ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत थी आई वॉज नॉट प्रेजेंट, इतनी बड़ी सिचुएशन में मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वो चीज़ सोचती रहती थी, डर मेरे अंदर था, वॉट इफ अगर, ये जो 3 सेंटेंस थे आप इनको हटा दो, मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत रही और मैं वहाँ नहीं प्रेजेंट रही तो भी हटा दो, वही मेरा विद इन 8 मंथ्स के टाइम पे रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो यूनिवर्स आपसे बातें करता है, यूनिवर्स आपको बहुत सारे चीज़ों के इंडिकेशंस देता है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नेवर डू अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। यूजुअली ऐसा होता है, हमको जिस चीज़ का डर होता है ना लाइफ में सबसे ज़्यादा, वो हमारे साथ बहुत पहले हो जाती है। इसको तो हम मांग ही नहीं रहे थे, ये तो हम मना कर रहे थे कि नहीं हो, लेकिन हम क्योंकि उस सेंटेंस को बहुत गलत तरीके से फॉर्म करके यूनिवर्स को बोल रहे थे या भगवान को बोल रहे थे, तो हमको क्या हुआ, वही टकरा करके वापस फटाक से सबसे पहले वही मिल गया। द रियल एग्जाम्पल विच आई हैव सीन, और मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव चीज़ें भी मेरे लाइफ में बहुत सारी हुई हैं, वो मैं कभी बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। आई हैव मेड एन अनदर इंस्टाग्राम पेज फॉर दिस एज वेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।